ग्राम प्रधान संघ बैरिया अरुण यादव के नेतृत्व में सोमवार को खंड विकास अधिकारी बैरिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र सौंपा। प्रधानों का कहना है कि सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों की हाजिरी के लिए जो गाइडलाइन लागू की गई है, इसमें NMMS के माध्यम से हाजिरी लग गई है, उसे तत्काल रोक कर पुराने गाइडलाइन लागू किया जाए। इस नई गाइडलाइन से मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से मजदूरों की हाजिरी प्रभावित हो रही है व ग्राम प्रधानों का वेतन सरकार द्वारा उनके खाते में भेजा जाए। पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम प्रधानों को मिले अधिकारों को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। इस मौके पर कोटवा प्रधान प्रतिनिधि रोशन गुप्ता, सतन यादव, अरुण यादव, संजय कुमार चौधरी, मनजी राम, विजेंद्र सिंह, मंतोष चौधरी, अखिलेश यादव, शुभम सिंह, प्रमोद यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। अरुण यादव, अध्यक्ष प्रधान संघ बैरिया ब्लॉक बलिया। जी, ये किस तरह का प्रधान संघ के नेतृत्व में किस तरह का विज्ञापन सौंपा गया? हम ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक और मनरेगा मजदूरों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय और नाइंसाफी हो रही है। जो सुबह और शाम को दोनों टाइम मनरेगा मजदूरों को बायोमेट्रिक हाजिरी MNS जिसको कहा जाता है, MNS के माध्यम से हाजिरी दी जाएगी। अब बताइए कि देहात में गाँव में अगर नेट नहीं चला तो उस दिन जीरो हो जाएगी, तो मजदूरी कहाँ से दी जाएगी? उसके बाद 213 रुपया में मजदूर मिलना मुश्किल है, इसकी मजदूरी बढ़ाई जाए। उसके बाद जो भी हम लोग सामग्री का काम कराते हैं, सामग्री में जो ईंट हम लोगों को 17-18 हज़ार का हम लोग आज बाज़ार में खरीद रहे हैं, उसकी दाम हम लोगों को 12 हज़ार ईंट 12 हज़ार मिलती है। सीमेंट, गिट्टी, छड़, जो मोरंग जो भी मिलती है वो हमको बाज़ार रेट से हमको दिया जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।